यस रेडी स्टार्ट। इस तरह से मैं बिजली की योजनाओं के संबंध में भी कहना चाहता हूं कि आज बिहार ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अच्छी जमीन है, लेकिन वहां पर हर साल बाढ़ से अरबों रुपयों की बर्बादी हो जाती है और लाखों रुपये का अनाज बर्बाद हो जाता है। इस बाढ़ के वजह से करोड़ों लोग प्रभावित हो जाते हैं। वहां पर अनेक नदियां हैं जिनमें हर साल बाढ़ आती है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं और तरह तरह के कष्ट सहते हैं। इसी तरह की हालत पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, जो कि देश के आजाद होने के बाद भी आज पिछड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है और सहायता के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन कोई स्थायी प्रबंध नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र में मुआवजे के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर खर्च किया जाता है, लेकिन लोगों को इसका लाभ बहुत कम मिलता है। मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लोगों की हालत सुधारने के लिए कोई स्थायी हल निकाला जाए, ताकि वे इस विपत्ति से उभर कर सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कही जाती है। देश में 28 साल की आज़ादी के बाद लगभग 70,000 गांवों में बिजली पहुंच सकी है। मैं पंजाब और हरियाणा के नेताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सब गांवों में बिजली पहुंचा दी है, लेकिन बिहार में आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि बहुत से लोगों ने बिजली देखी भी नहीं है। हमारे यहाँ 7 लाख गांव हैं, जिनमें से करीब 5,000 गांवों में ही बिजली पहुंच सकी है। बिजली के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसको दूसरी मदों पर खर्च कर दिया जाता है। जिस मद में आप पैसा दे रहे हैं, यह देखना आपका काम है कि यह पैसा उसी मद पर खर्च हो। पिछड़े हुए तथा गरीब लोगों की हालत उठाकर देखिए। 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार हरिजनों के लिए जो घर बनाए गए हैं, उनमें एक आदमी से अधिक सो नहीं सकता। नतीजा यह हो रहा है कि वह लोग कहेंगे कि अपना घर वापस ले लो। हम यह नहीं कहते कि आप बहुत बढ़िया घर बनवाएं, लेकिन जो भी घर बने, उनमें रहने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों के लिए तो जगह होनी चाहिए। मान्यवर, 2 दिन से माननीय सदस्यों के भाषण सुनते सुनते मन में सारे देश की झांकी सामने आई है और सबका निचोड़ या सारांश एक ही रहा कि अभी भी देश में बहुत गरीबी है, असमानता है और अत्याचार है। हम अपने देश के नौजवानों का भविष्य किस तरह से उज्जवल बनाएं, किस तरह से अपने सीमित साधनों से अपने विशाल देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, किस तरह से लाखों लोगों की आकांक्षाएं पूरी करें, इसकी इच्छा हम सभी के दिलों में है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं? हम इंसान बनना चाहते हैं। इंसान तो हमेशा से मिट्टी का होता आया है, लेकिन उसके गुण समय समय पर बदलते रहे हैं। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत का इंसान हमेशा से अहिंसा में विश्वास करने वाला रहा है। हमने सदा ही शांति के पथ पर चलकर क्रांति की है और देश को आजाद किया है। हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, लेकिन इंसान की आकांक्षाओं के अनुसार हम उसे वह सब कुछ नहीं दे सके हैं जो दुनिया के अन्य देशों में उनको उपलब्ध है। हमारे नौजवानों के मन में जो कष्ट है, जो आकांक्षा है, उसको हम अपने सामाजिक ढांचे के अंतर्गत किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, इन बातों पर हमको विचार करना है। मान्यवर, आपको याद होगा कि जब हम विदेशों से अनाज मंगाते थे, तो हमारे देश के लोग लंबी लंबी कतारों में राशन की दुकानों पर घंटों खड़े रहते थे और फिर भी उनको राशन नहीं मिलता था। कई कई दिन लाइन में खड़े होने पर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था। कभी कभी तो बाल बच्चों को अपनी शिक्षा छोड़कर राशन लेने जाना पड़ता था। एक जमाना था जब लोग मन हुआ तो काम पर जाते थे, मन नहीं हुआ तो काम नहीं करते थे, लेकिन आज वह वातावरण नहीं है। आज देश ने जो तरक्की की है, यदि उसकी तरफ नजर डालें तो
आपको स्वयं आश्चर्य होगा। आपने देखा कि हमारे देश की आर्थिक हालत इतनी कमजोर हो गई थी कि हम विदेशों के सामने सिर नहीं उठा सकते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, जनता के सहयोग से देश को आगे ले जाने में हम सफल हुए हैं। हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में बहुत प्रगति हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि ये घटनाएं केवल गुजरात में ही अकेली नहीं हुई। इस सदन में पिछली बार महाराष्ट्र के बारे में भी चर्चा हुई थी, उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में भी चर्चा हुई थी, बिहार की घटनाओं के बारे में भी चर्चा हुई थी, और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह वास्तव में सारे देश के लिए और संसद के लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। मंत्री महोदय ने बाद में जो कदम उठाए हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इनके मूल कारणों की जांच के संबंध में क्या सरकार कोई ऐसा प्रयत्न कर रही है कि आखिर ये घटनाएं आज़ादी के बाद घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। चाहे महात्मा गांधी के प्रदेश में हो, चाहे इंदिरा गांधी के प्रदेश में हो, सब प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है। एक जो बड़ा झगड़े का मूल कारण होता है, उसका अगर आप सर्वे कराएं और पता लगाएं कि ऐसी घटनाएं वहां होती हैं जहां पर ऐसे कुएं हैं जिनसे संयुक्त रूप से पानी लेने की व्यवस्था है। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि उनके कुएं अलग करवा दीजिए, वह कुएं संयुक्त रहेंगे तभी एक मिलन की भावना रहेगी। पिछले दिनों मैंने एक प्रवृत्ति यह देखी कि सरकार की ओर से पैसा इसलिए मिलता है कि हरिजनों के मोहल्ले में कुएं बनने चाहिए, उनके पानी पीने की व्यवस्था तो करें, लेकिन संयुक्त व्यवस्था के तौर पर कोई चीज नहीं बन रही है जिससे आप में मिलने का स्थान समाप्त हो जाए। इसका सर्वे कराएं तभी पता चलेगा और लोगों को इसका लाभ होगा। दूसरा झगड़ा होता है जमीन की फसल बांटने का। आज भी हरिजन लोग अधिकांश रूप से जमीन के बटाईदार के रूप में काम करते हैं, इसलिए फसल के बंटवारे को लेकर कई प्रकार के झगड़े हुए हैं। उस चीज का सर्वे कराएं तो मैं समझता हूं कि सदन को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा, क्योंकि वहां भी इन घटनाओं के संबंध में चर्चा हुई।